हाय योगेश, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं श्री केश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानसिक तनाव से अगर आप परेशान हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद योगासन सूर्य नमस्कार लेकर आए हुए हैं, जिसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। बहुत ही फायदेमंद, आपको बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही हेल्पफुल रखने वाला है। बस आप खाना खाने के पहले सुबह या खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अगर इस योगासन को करते हैं तो आप पाएंगे कि बिल्कुल तनाव मुक्त रहने में आपका बहुत ही हेल्प करेगा यह योगासन। योगासन बस यह ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाएं, गर्दन की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, स्पाइनल उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति इस योगासन को कुशल मार्गदर्शक के बाद ही करें। चलिए, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए वीडियो पे आप बने रहें। सबसे पहले योग मैट में सीधा दोनों पैरों को मिलाते हुए खड़े हो जाएं। मैट की आगे के सिरे में दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को प्राणासन में लेके आते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। नंबर 3, श्वास छोड़ते हुए डाउन होते हैं। दोनों हाथ दोनों पैर के साइड में लेकर जाते हैं। जितना आराम से लेके जा सकते हैं उतना आराम से हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे जब आप रेगुलर करेंगे तो आपके शरीर में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आएगा और आराम से आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद लेफ्ट पैर पीछे लेके जाते हैं और पूरा पैर को पीछे खोलते हैं। जो हमारा आगे पैर है, हमारे दोनों हाथ पैर के दोनों साइड, हमारा कमर डाउन होना चाहिए, कमर को उठाकर नहीं रखेंगे। ये हमारा नंबर 4, 5। धीरे से पैर को मोड़े, आगे वाले पैर को भी पीछे वाले पैर के पास लेकर जाते हैं। ये हमारा नंबर 5 पर्वताचन। दोनों पैर मिले रहते हैं, पंजा तो जमीन पे रहता है, एड़ी को भी धीरे धीरे जमीन पे लगाने का प्रयास करते हैं। पूरी हमारी पिंडली की मसल्स खींचेगी और सिर को धीरे से अंदर लेके जाते हैं। नंबर 6, अष्टांग नमस्कार। पंजा तो जमीन पे रखा था, घुटना भी रखते हैं, चेस्ट रखते हैं, चिन रखते हैं, अष्टांग नमस्कार। नाभि से ऊपर के भाग को पूरा ऊपर उठाएंगे, भुजंगासन की पोजीशन पे आएंगे, दोनों पैर मिले रहेंगे, पैर को मिला के रखने का प्रयास करते हैं। ये इसके बाद अगला आसन, दोबारा से फिर से हम पर्वतासन में आते हैं। नाइन, जो पैर पीछे गया था पुनः शिवा पैर आगे आता है। नंबर 9, 10, 11, 12। अब हम दूसरे पैर से इसी को दोहराएंगे। 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा एक चक्र। ऐसे ही आप इसको 2 से 3 चक्र अगर रेगुलर करते हैं तो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही आपको हेल्पफुल रखने में मदद करेगा यह योगासन सूर्य नमस्कार। बहुत ही इजी,
बहुत ही आसानी से कहीं भी खुले में आप इसको आराम से कर सकते हैं, सुबह या शाम आपको बहुत ही हेल्पफुल रखेगा यह योगासन। इसके साथ साथ धीरे धीरे आपके शरीर का फैट, अनावश्यक चर्बी, आप मानसिक संतुलन, बॉडी का बिल्कुल बैलेंस बनाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा, आपको स्पाइनल फ्लेक्सिबल करेगा। जब स्पाइनल फ्लेक्सिबल होगा तो आपका ब्रेन पावर भी बढ़ेगा, दिमाग भी तेज होगा। स्वास्थ्य के साथ साथ आपको आलस, इन सब बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हमारा सूर्य नमस्कार होता है, तो आप भी करें। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।